हेलो एवरीवन, लगातार आप लोग सपने देखते होंगे, लगातार आप लोग सपने देखते होंगे उन फील्ड्स की जहां पे आप सफल होना चाहते हैं। सफल आज के डेट में हर एक इंसान होना चाहता है, वो कहीं पर भी वो चाहता है उसका एक नेम हो, फेम हो, लोग पहचाने, इस तरह की चीजें होती है। और ये खास करके उनके लिए है, ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीडियो है, खास करके ऐसे जो किसी भी क्षेत्र में, वो कहीं हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं पे भी हो, एक मंजिल पाना चाहते हैं और लगातार 6-7-8 सफलता के बाद उसको असफलता के बाद उसको सफलता में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लंबा गैप ले लिया, पड़ोसी से कोई सक्सेस, पड़ोस में कोई सक्सेस कर गया, उसका जितना मान सम्मान हो रहा उसको देख के अंदर से कुलबुलाहट हुई और फिर से वो जूझ पड़े एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, इस या कोई भी जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए। आज के डेट में 90% ऐसे लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो अपने इंटरेस्ट वाला काम नहीं करने के कारण फ्रस्ट्रेट भी हैं और परेशान भी हैं। हम नहीं चाहते कि आप भी उसमें शामिल हो। जरूरी नहीं है आप पहले जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी को पहचानिए, क्या वो आपके अंदर की है या बाहर के दिखावे की है। क्या आप इसीलिए किसी पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहते हैं कि उसमें पावर है, उसमें पैसा है, लोग उसमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्या सिर्फ इसीलिए जाना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं इसलिए जाना चाहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप खुद ने दूसरे के कारण जाना चाहते हैं तो आप आज भी बेचैन होंगे, कल भी होंगे और परसों भी होंगे, लेकिन आपके अंदर वो कुलबुलाहट है, आप खुद अपने इंटरेस्ट के कारण ये काम करना चाहते हैं, तो आप तब आप एक तो सक्सेस भी होंगे ही और साथ में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो दिखते नहीं है, वो करके भी लोग खुश हैं, और जो काम आप देख रहे हो कि हम वहां जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वहां पे ऑलरेडी पहुंच के लोग दुखी भी हैं। तो यहां पे अब हम बात करेंगे कि जो 5-6-7-8 बार अनसक्सेस हो गए हैं, उस सफलता को कैसे बदले, तो लंबे गैप के बाद किसी नए फील्ड में जाना चाहते हैं वो अपने आप को कैसे बदले। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको रोड पे दिन भर घूमते हुए, वैसे ही सोते हुए, आलस में दिखाई देंगे, लेकिन पता चलेगा 2 साल के बाद उसने सफलता ले ली तो सामने वाला जो उसको पहचानता होगा वो कहता होगा ये जरूर किसी ना किसी गलत तरीके से गया होगा, ये इसका किस्मत बहुत अच्छा है, बट उसके पीछे उसने 2 साल में क्या खुद को बदल दिया ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए आप में से वो जो अपने अंदर से, अपनी इच्छा से अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आईएएस बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डीवाईएसपी बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या कोई भी तरह का पोस्ट चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर बदलाव कुछ लाने होंगे। अगर रिजल्ट लगातार अनसक्सेस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा, और वो आप ही बदल सकते हैं, वो कोई और नहीं बदल सकता, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं पहचानता। आपके अंदर कितना कैलिबर है, आपके अंदर कितना क्षमता है, वो सामने वाले की क्षमता कितना है, उससे सिर्फ और सिर्फ आप ही एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कंपेयर सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरे के बस में नहीं है ये करना। और उसके बाद आप देखोगे कि आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है। आप 12 घंटा नहीं पढ़ सकते, ये आपका एक वीक पॉइंट है, लेकिन आपके अंदर बेहतर प्लान करने की क्षमता है, आपके अंदर बेहतर स्ट्रेटजी बनाने की क्षमता है, जो सामने वाले के 14 घंटे पे बहुत ही भारी पड़ेगा। तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को कौन पहचानेगा? ये स्ट्रेंथ को सिर्फ आप पहचानेंगे। आप ये बताकर भी सामने वाले को नहीं समझा सकते हैं कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है। अगर किसी के अंदर 14 घंटा पढ़ने की क्षमता है, उसके अंदर बेहतर प्लानिंग की स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो मेहनत ही इतना करेगा कि आपके प्लानिंग पे वो भारी पड़ सकता है।
लेकिन ये उसको पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्षमता है 14 घंटा बैठ के एक बार बार पढ़ने की, रिवाइज करने की, ये मेरी क्षमता है। ये कौन समझेगा? ये वही समझ सकता है। तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। जिसने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना, असफलता उसको हाथ नहीं लगी है। और पीछे के फेल्योर से आपने पीछे कितनी बार आप फेल किए फर्क नहीं पड़ता, ये आगे आने वाला जो समय है इसमें क्या क्या सुधारना है, उससे उस गलतियों से क्या क्या सीख के इसको ठीक करना है, ये मायने रखता है। और वही विजेता बनता है। ऐसा कोई भी विजेता आज तक नहीं हुआ जो लाइफ में असफल नहीं हुआ। ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कहते हैं, वो भी हो सकता है जो मनचाहा पीछे की डिग्री उनके पास ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। आज हुसैन बोल्ट से लेके जिस पीटी उषा से लेके जिस किसी का नाम ले लीजिए, मैरी कॉम जिसका नाम लेना है ले लीजिए, सब बार बार असफल होने के बाद सफल हुए हैं। लेकिन मेहनत, डेडिकेशन और उस लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो अंदर जज्बा था उसने उनको सफल बना दिया। उन्होंने माइन्यूट लेवल पे देखा कि हमारे अंदर कहां स्ट्रेंथ है, हम कमजोर कहां हैं, और उन चीजों को ठीक किया, ना कि इधर उधर भटकने का काम किया। सारे बॉक्सर को सारी फैसिलिटी मिलती है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और जो ट्रेनिंग लेते हैं, सेम कोच होता है, सेम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आज जस्ट फॉर एग्जांपल क्रिकेट भारत का सबसे अच्छा गेम है। क्रिकेट में विराट कोहली भी है और क्रिकेट में MS धोनी भी है और क्रिकेट में भरे पड़े हैं एक पर एक धुरंधर। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ही क्यों बेस्ट होते हैं? क्योंकि वो अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। डेडिकेशन होता है। आज बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, बहुत सारे खिलाड़ी जो फैट से खुद को फिट कर लिया, सारा अली खान बहुत अच्छे एग्जांपल है इसके लिए। कितनी मोटी थी और कहां से कहां आ गई, क्योंकि उसको डेडिकेशन था, उसको था कि हमको फिल्म में अच्छा करना है जहां पर स्लिम फिगर की जरूरत है, और कहां से कहां आ गई। ये देखने में बड़ा छोटा लगता है, इसीलिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो गांव के पृष्ठभूमि से आता है कल होके IAS बन जाता है तो हम कहते हैं कि उसका किस्मत अच्छा था कि वो IAS बन गया। किस्मत नहीं, बल्कि उसने उस लेवल पे मेहनत कर दी, उस लेवल पे अपनी कमियों को दूर किया बिना रोए हुए किसी के सामने, और आज वो सफलता के शिखर पे है। तो बार बार अगर आप अनसक्सेस कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, चीजों को पहचानिए जो आपका काम है। और एक एटीट्यूड जरूरी है, लेकिन उस एटीट्यूड का बेस ईगो नहीं होना चाहिए, उस एटीट्यूड का बेस सिर्फ सोच नहीं होनी चाहिए, उस एटीट्यूड का बेस आपका वर्क होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। और एटीट्यूड का मतलब ईगो नहीं होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है हमारे अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि किसी का डिसरिस्पेक्ट करें, ये एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड जो है वो उसका बेस जो है ना वो एकदम से पॉजिटिव होना चाहिए। उसका बेस आपका मेहनत होना चाहिए, लगे कि मैंने आपने मेहनत किया है, आप मेहनत के दम पे वहां गए हैं, तो वो एटीट्यूड दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस फिर एटीट्यूड एंड ईगो के अंदर अंतर है, तो वो होना चाहिए लेकिन उसका बेस क्या हो। दिमाग से ही अपने आप को IAS सोच लिए और एक्ट करने लगे, ये नहीं। हमारे काम में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, हम इतना काम कर दे कि हमको इतना पढ़ाई करें कि लगे कि नहीं IAS तो हम बनेंगे ही बनेंगे, IAS तो हम बनेंगे ही बनेंगे। और IAS का एटीट्यूड कुछ लोग निगेटिव में लेते हैं। क्यों निगेटिव में लेते हैं? एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जा रहे हो, एक ऑफिसर बन रहे हैं, तो आप आम आदमी से अलग होंगी। आपके बात करने का तरीका, आपके को चीजों को डील करने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका 100% अलग होगा, और ये आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए। जब तक दिखेगा नहीं, इंटरव्यू में कैसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे? आगे जाके जब ऑफिशियल बनेंगे तो कैसे करेंगे? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो पढ़ना होता है और जो चाहिए एक IAS ऑफिसर में, या जो भी कोई भी किसी भी इंसान के अंदर ही हमको ये चीज चाहिए। तो ये आपके एटीट्यूड का आधार आपका वर्क होना चाहिए, सिर्फ सोच नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच में तो IAS बन ही जाते हैं, सोच के IAS बन जाते हैं, लेकिन उसके बदले काम नहीं कर रहे होते। काम 10%, सोच 100%, और आगे जाके जब रिजल्ट फेल होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। मंजिल पर ध्यान जरूर, आपका मंजिल जरूर तय हो,
लेकिन सिर्फ मंजिल के आधार पर इमेजिनेशन नहीं करें, मंजिल के आधार पर इमेजिनेशन नहीं करें हमेशा। मंजिल क्या तय है? आईएएस बनना है। मंजिल क्या तय है? बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये गाड़ी होगी, वो बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, यहां पे ऑफिसर होंगे, घर पे ऐसा होगा, यहां पे हमको लोग इतने पूछेंगे, ये सारी चीजें चल रही है। बट मंजिल के बारे में ही जो लोग सोचते हैं, जो सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और एक्ट पे कम ध्यान देते हैं, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। आपने लक्ष्य तय कर लिया, आपने टारगेट तय कर लिया कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपने टारगेट यहां पे तय कर लिया। अब आपको सिर्फ अपने एक्ट पर ध्यान देना है, छोड़ दीजिए। आपने उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दिया, अब क्या सोचना है इसके बारे में, उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो सोचिए। आप अब एक्ट पे देखो कि हाँ ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, और आगे बढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट, कि सक्सेस भी वही करता है जो अपने आप को सक्सेस से अलग कर लेता है। जो सक्सेस से अपने आप को अलग नहीं कर पाता, उसका ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है। आज के डेट में ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं कि पीटी कैसे निकलेगा, उनका कभी क्वेश्चन नहीं होता कि सर क्वालिफाई कैसे करेंगे। ये इसका मतलब है कि उनका मकसद ही है प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना, उनका मकसद ही है छोटा सा बिजनेसमैन बन जाना, उनका मकसद ही क्या करना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। इट मीन्स कि उनका उनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो नहीं पे खुश हो रहे हैं। अपने आप को अलग कीजिए, सफलता से अपने आप को अलग कीजिए। जब सफलता से अलग करेंगे तो आप बढ़ते ही चले जाएंगे। इसका मतलब ये है सॉरी कि यदि आपने कोई जगह तय कर लिया कि हमको वहां पहुंचना है, तो आप ये मत देखिए कि हमारे जैसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हमारे जैसा इंसान क्या कर सकता है। हम इस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे पास क्लासेस नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि वहां हमको जाना है, तो वहां जाने के लिए कोई क्या कर सकता है, वहां जाने के लिए कोई क्या कर सकता है, ये सोचना है। ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, छोड़ दो ना, हमको करना क्या है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो आप भी करेंगे, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, ये अलग बात है कि आपका अलग तरीका होगा, उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। इसीलिए वहां से हटाइए और जैसे सक्सेस कर जाओ, शांत हो जाइए, हो गया बस कर लिए, अब उसी के सेलिब्रेशन में पूरा जीवन नहीं गुजार देना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ पड़ा है। तो सफलता के साथ खुद को डिटैच करेंगे तो एक बेहतर सफलता हमेशा आपका इंतजार करती रहेगी, और बहुत ही एक हम्बल इंसान की तरह आप उसको अचीव करते चले जाएंगे, और लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।